हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट किए गए क्लर्क के एग्ज़ाम को, जो कि हेल्ड हुआ है नवंबर 2018 में। और पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 692। तो इस वाले एग्ज़ाम को हम जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका इंग्लिश का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। बात करें पार्ट टू की, यानी कि कल हम इसका जो है वो जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। जीके सेक्शन मतलब जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी इसका जनरल साइंस का सेक्शन आएगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें पार्ट थ्री की, तो पार्ट थ्री में हम इसका रीजनिंग का सेक्शन देख लेंगे और इसका मैथ का सेक्शन देख लेंगे। बाकी हम करंट अफेयर का सेक्शन छोड़ देंगे, क्योंकि 2018 की करंट अफेयर आपके किसी काम की नहीं है। तो शुरू करते हैं अब हम एचपी जीके से। तो बात करें हमारे पहले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 की, हु वॉज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे पीसी राणा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेट अप एट शिमला। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1955। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द पंजाब री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जेसी शाह ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 49, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड। तो चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हालदा त्यौहार, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50, विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नोन एज छोटी काशी। तो हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंडी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, द हट्टू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। तो हट्टू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें हट्टू फोर्ट की, तो ये है शिमला में। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर। धर्मपुर जो कि सोलन में है, सोलन हिमाचल प्रदेश, एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। तो महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर यानी कि सोलन में भ्रमण किया था और भाषण दिया था? तो ये दिया था उन्होंने 1939 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, 53 क्वेश्चन की, हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी सुमन रावत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें सुमन रावत की, तो इनको जो है वो अर्जुन पुरस्कार जो है वो कब मिला था? 1987 में। और अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ इनको परशुराम पुरस्कार भी मिला है। तो ये जो है वो एथलीट से संबंधित थी। और अगर बात करें ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये हैं सुमन रावत जो है वो सुंदरनगर से संबंधित हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 54, हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। तो चंबा काशीदारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तो कांगड़ा का मसरूर मंदिर जो है वो किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो ये हुआ है 8वीं शताब्दी में, 8th century। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। तो मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था अजबर सेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो आर्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, US क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। तो US क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो ये था ऑप्शन डी, सर जर्मिया ब्रायंट का। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो ये थे जयवंत राम। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। तो जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो ये था शमशेर सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, हु फाउंडेड द बाघल स्टेट। बाघल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अजय देव ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अजय देव की बात करें, तो ये उज्जैन के पवार राजपूत थे, जिन्होंने बाघल राज्य की स्थापना की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 62,
सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या है, वट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन, तो ये है बारेद, जिसको हम बनेड भी कहते हैं, बनेड। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 63, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी, कुल्लू वंश का सबसे महाशक्तिशाली राजा कौन था, तो ये था जगत सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 64, हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन, तो किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया था, तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और आपसे पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कब ये बुक्स को ले गया था यहाँ से कांगड़ा से, तो 1365 ईस्वी में। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 65, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मारकंडा खड्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो ये सिरमौर जिले में बहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो नाको झील हिमाचल के किस जिले में अवस्थित है, तो ये है किन्नौर जिले में, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, बडहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वट नेम ग्लेशियर्स आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज, तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शिगड़ी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स, तो निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है, तो ये नहीं आता है मनाली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो है वो जीके का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, हिमाचल जीके का सेक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। तो इंग्लिश के सेक्शन में मैं आपको जो है वो साथ साथ में इन वर्ड के हिंदी मीनिंग भी बता दिया करूँगा, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर आपके पास वर्ड दिए गए हैं ए बी सी डी, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निवास या फिर सुविधा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनफॉरगेटेबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अविस्मरणीय, जिसको भुलाया ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव या फिर संरक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेफिशिएंस, सो इसका राइट इसका हिंदी मीनिंग मीन्स उल्लंघन करना। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक जो है वो आपके पास कुछ वर्ड दिया गया है यहाँ पर, तो इसका आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, अपोजिट इन मीनिंग ढूंढना है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो यहाँ पर दिया गया है सेलेस्टियल, तो इसका मीन्स होता है, हिंदी मीनिंग होता है आकाशीय, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अर्थली, अर्थली मीन्स पृथ्वी संबंधी, आप कह सकते हो पृथ्वी संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है ऑब्सक्योर का अपोजिट मीनिंग, तो ऑब्सक्योर का अर्थ होता है निम्न या फिर आप कह सकते हो अस्पष्ट, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्सिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरक कह सकते हो आप, या फिर एक्टिंग गॉर्डन विदाउट फोर थॉट यानी कि आवेगशील कह सकते हो, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉशन मीन्स सतर्क या सावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कैप्टिवेट, सो कैप्टिवेट का हिंदी मीनिंग होता है कैद करना, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, रिपेल, रिपेल्स मीन पीछे हटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेटिव, सीक्रेटिव मीन्स गुप्त, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कैंडिड, कैंडिड मीन्स स्पष्टवादी। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक, तो यहाँ पर आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो आपको यहाँ पर करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर चुनने हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, एट और अपॉन। बात करें अगले क्वेश्चन की, द पुलिस हैज़ बिन एक्यूज्ड ऑफ
कॉन्वियंस विद द क्रिमिनल्स, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ अ वेरी स्लो पर्सन बोथ ऑफ स्पीच एंड एट हिज बिजनेस, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, सी वॉज डिस्गस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज एट द डेकोरेशन, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन आंसर्स को देख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक आपके पास जो है वो idiom और phrase दिया गया है यहाँ पर, यानी कि मुहावरे दिए गए हैं, आपको उनका अर्थ बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 है टू सर्व आउट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिटेलिएट, ऑप्शन बी। टू रिटेलिएट मीन्स जवाबी कार्यवाही करने के लिए, या बदला लेना कह सकते हो आप, बदला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स अनियमित रूप से, यानी कि इरेगुलर, दी ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग टू हार्ट मीन्स दुख मनाना या शोक मनाना, तो आप कह सकते हो ग्रीविंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39, टू कट समवन शॉर्ट, तो यहाँ पर मतलब कि किसी को बाधित करने के लिए, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, टू इंटरप्ट समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिए गए हैं, यानी कि एक शब्द में, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया गया है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर कैप्ट, तो जहाँ पर प्लेन्स को रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विमान घर, यानी कि हैंगर, ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, अ वेरी फेमस पर्सन, तो प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लिमिनरी, यानी कि महान विद्वान, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल मीन्स बिना वैध वसीयत किए बिना मर जाना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंटेस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, तो इसका मतलब आवारा, तो आवारा को आप कह सकते हैं वैगाबॉन्ड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन हु यूजेज हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन, यानी कि बच्चलन औरत, तो उसको कहते हैं वैम्प, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैम्प। तो गाइज यहाँ पर हमारा इंग्लिश का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इसे लाइक करें, और अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से हमारे चैनल को शेयर करें, लेट्स प्रिपेयर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।